महाराज जी अपना परिचय बताएं। अनंता श्री विभूषित काशी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम प्रपन्नाचार्य। गुरु जी, अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा के मामले आ रहे हैं, आज बनारस में उसको लेकर हिंदू जन आक्रोश रैली निकाली गई है, उस पर आपका समर्थन है? और अगर समर्थन है तो आपके विचार क्या हैं कि इसमें इस मामले पर सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार हमारा समर्थन है और सरकार को इस पर मानवता के नाते वहाँ उपस्थित होना चाहिए, वहाँ जा कर के लोगों से बातचीत करना चाहिए कि क्या परिस्थिति है। परिस्थिति तो सामने आ रही है कि लोग वहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब तक धरातल पर वहाँ सरकार नहीं जाएगी, कुछ भी आंकड़ा संभव नहीं है। और हिंदुओं को प्रताड़ित लोग कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। इससे सनातन खतरा में है, मानवता खतरा में है। महाराज जी, इसी मामले को लेकर योगी सरकार भी आए दिन कह रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ न कुछ सहायता उपलब्ध कराएंगे, ठीक है? तो क्या और कैसी सहायता उन लोगों को बांग्लादेश में उपलब्ध करानी चाहिए हिंदुओं को लेकर? सबसे पहले तो हम माननीय योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये चाहते हैं कि आप तो एक संत हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इस नाते आप वहाँ जा कर के उन लोगों से मिलिए और मिल करके क्या उन लोगों की व्यवस्था है, कैसे वो लोग रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसके बारे में वो जाने और जान करके सारी व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए, जो जो उन्हें महसूस हो कि क्या हमें चाहिए सरकार से बताएं और सरकार उनकी व्यवस्था करे। भारत की ही नहीं, सनातन हिंदू धर्म की राजधानी काशी से सनातन धर्म की रक्षा का आवाज बुलंद करने के लिए हम सभी को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और जबरिया, जो लोग अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजों से इस्तीफे लिखवा सकते हैं, वो हिंदुओं के सरकारी नौकरी से जबरिया इस्तीफे लिखवा रहे हैं। आइए हिंदू समाज अपनी आवाज बुलंद करें, जाति पंथ भाषा वर्ग के भेद को छोड़ करके हम सभी काशी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर नगर निगम से अपनी शोभा यात्रा प्रारंभ करें और संयुक्त राष्ट्र संघ को यह सोचने के लिए विवश कर दें कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी, हम मौन नहीं रहने वाले हैं, हम मुखरित हैं हिंदू समाज की रक्षा के लिए। महाराज जी, अपना परिचय दीजिए और ये क्या आयोजन हुआ है? मेरा नाम जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी संपत कुमार आचार्य श्री वैष्णव मठ काशी मंदिर वाला। यह जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे गुरु जी अस्मदाचार्य देश विदेश सम्मानी संत जगत गुरु भगवताचार्य तिरंडी स्वामी जी महाराज, जो पहले ब्रह्मदंडी स्वामी के नाम से जाने जाते थे, स्वामी जी महाराज ने कम से कम जो है बिहार में 45 चतुर्मास व्रत किए हैं और थाईलैंड में जाकर बैकांग में सनातन धर्म के तरफ से गए हैं, जो कि सनातन धर्म का जो होता है बुलावा, उसमें जाकर थाईलैंड में जाकर वहां पर जगत गुरु का भी उपाधि पाए थे, वहां पर सम्मानित हुए थे, जो कि आज सम्मान का चीज आज भी हमारे यहाँ रखा हुआ है, जो वहाँ मिलता है गिफ्ट में। और स्वामी जी महाराज जो हैं सर्व रामानुजाज सशिष्यम विश्वसेन पदाश्रितम वंदे भागवत आचार्यम नित्यम पादा मुजद्वयम, ऐसे जो है महात्मा सन्यासी जो जगत गुरु जो विदेश तक ना पवन जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया ना हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, गौ रक्षा के लिए जो है, यज्ञ के लिए जो है, बहुत से कार्य जो है स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल में किए, जो कि भादो मास के कृष्ण पक्ष के तृतीया को जो है स्वामी जी महाराज का परमपद प्राप्त हुआ, जो है परमपद होता है जो ब्रह्मलीन शरीर हो जाता है तो हम लोग वैकुंठवास कहते हैं,
तो वैकुंठ वास हुआ, उसके उपलक्ष में जो है हम लोग स्वामी जी अपने गुरु महाराज का जो है अस्मदाचार्य देश विदेश समानी संजग गुरु भगवताचार्य त्रिदंडी स्वामी जी ब्रह्मदंडी स्वामी जी के जो है ब्रह्मलीन जो हुए थे वैकुंठवास हुए थे उन्हीं के जो उपलक्ष्य में हरे राम हरे कृष्ण का जो है संकीर्तन जो है 24 घंटा का होता है और बहुत जगह से जो है भारत के देश के कोने कोना से लोग जो आते हैं आकर स्वामी जी का जो शिष्य हैं वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वो प्रसाद पाते हैं वो काशी ले दर्शन कर जाते हैं। महाराज जी कमी पुण्य तिथि थी महाराज जी की, पुण्य तिथि जो है आज है कौन सी है मतलब तृतीया तिथि है, तृतीया तिथि नहीं है जैसे कि ये कहा जाता है कि छठवीं है सातवीं है कौन सी तृतीया तिथि है, सप्तम वर्ष हुआ है अच्छा चलिए ये तो मान लीजिए आयोजन की बात हो गई। एक जैसे ये हो रहा है कि बांग्लादेश में वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जब से हसीना सरकार गिरी है वहाँ बहुत से हिंदू जो है मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या वक्तव्य है? देखिए सनातन धर्म में हम लोगों का जो है जगत गुरु रामानुजाचार्य जो है सनातन धर्म के केवल भारत के ही नहीं होते हैं, सनातन धर्म के जो आचार्य होते हैं वो पूरे विश्व के होते हैं और पूरे विश्व जो है उनका होता है। बांग्लादेश तो हमारा ही देश है, हमारा ही खंड है जो उसको बांट दिया गया है। वहाँ पर जो रह रहे भाई हैं जो हिंदू हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है, जो यहाँ के तत्काल जो सरकार है प्रधानमंत्री हैं या विदेश मंत्री हैं या रक्षा मंत्री हैं जिस तरह से हो जितना भी इसमें उनको सहयोग होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश के कोने कोना से जो है हिंदू वलंबी जो है किसी भी कास्ट का हो किसी भी धर्म का हो लेकिन वह महात्मा है हिंदूवादी नेता है वह संगठन है वह एक ही मांग कर रहा है कि हम लोगों का हिंदुओं का जो है सुरक्षा होना चाहिए सुरक्षित होना चाहिए। इस पर जो है जो तत्कालीन सरकार जो है बीजेपी का मोदी सरकार इसको जो है पूरा दिग्ध से जो है इस पर बांग्लादेश पर हिंदुओं का रक्षा करना चाहिए। किसके वसुदेवक कुटुंबका केवल बोलने से नहीं होगा इसको दिखाने से होगा। मोदी जी बोलते हैं लेकिन यहाँ दिखाने का समय आ गया है कि जो कि बंगाल में दिखाने का समय आ गया है उनको दिखाना चाहिए कि हम हिंदू का रक्षा कैसे करेंगे। जब वहाँ नहीं होगा तो दूसरे जो अपने देश में कैसे होगा, वहाँ का भी विशेषता बनाना चाहिए तब जो है हमारे देश के हिंदुओं ने कहेगा कि नहीं सरकार वहाँ रक्षा कर लिया तो हम लोग एकदम जो है सुरक्षित हैं। जो वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो यहाँ भी नहीं है और हमारे देश के हिंदुओं को अब जगना चाहिए यह देखकर कि हमको क्या करना चाहिए। इसके लिए जो है स्वयं देशवासियों को कदम उठाना चाहिए वह बहुत बड़ा बात है और इसको जो है बड़ा कदम उठाकर जो है अपने देश को बचाने के लिए अपने हिंदू को बचाने के लिए सनातन धर्मावलंबी को बचाने के लिए विशेष मांग विशेष कानून की मांग करें और सरकार इसको दे नहीं तो इस कैसे विशेषता व्यवस्था चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी एक आखिरी सवाल आपसे ये है, आज बनारस में हिंदू आक्रोश रैली निकाली जा रही है बांग्लादेश के मामले को लेकर, इसमें आपका समर्थन है? एकदम निकलना चाहिए, इसमें पूर्ण समर्थन है, हिंदू बचाने के लिए कहीं भी रैली निकले उसका मेरा समर्थन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।